महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान के साप्ताहिक संस्थापक समारोह का शुभारंभ 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 10 दिसंबर तक चलने वाले समारोह का शनिवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षण संस्थान के स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 4 दिसंबर को संस्थापक सप्ताह समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि समारोह में करीब 11,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस मौके पर एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा, डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। कल हम लोगों का संस्थापक सप्ताह समारोह का उद्घाटन सत्र है, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे और चीफ गेस्ट के रूप में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं। उसकी तैयारी हम लोगों की पूर्ण हो चुकी है कि कल इसमें लगभग 9,000 बच्चे कैंपस में और चीफ गेस्ट और अन्य अतिथियों को लेकर के इस प्रांगण में कल लगभग 11,500 लोग उपस्थित रहेंगे। पूरी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, जिसमें उद्घाटन सत्र में शोभा यात्रा का कार्यक्रम है मुख्य रूप से, और ये कल से प्रारंभ होकर के 9 तारीख तक कंटिन्यू विभिन्न प्रतियोगिताएं संस्थापक सप्ताह समारोह के दौरान आयोजित होंगी और 10 का इसका मुख्य महोत्सव रहेगा। मुख्य महोत्सव में फिर अध्यक्षता यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे और चीफ गेस्ट के रूप में वो दिन धर्मेंद्र प्रधान जी रहेंगे। सर, कल के दिन में कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं, किस तरह का? कल के उद्घाटन सत्र में मुख्य रूप से शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, जो शोभा यात्रा में हमारी लगभग सभी संस्थाओं के बच्चे प्रतिभाग करेंगे, जिसमें विभिन्न विद्यालयों की NCC की टीम भी शामिल होगी, सभी विद्यालयों के घोष दल, इसको हम बैंड कहते हैं, कि वो टीमें भी शामिल होंगी और यहाँ से वो निकल करके इंदिरा बाल विहार, गणेश चौराहा होते हुए फिर कलेक्ट्रेट चौराहा होकर के स्वर्ण जयंती द्वार से हमारे सारे बच्चे अंदर आ जाएंगे।